बहू को गलत तरीके से एआरडीपी में शामिल करने के आरोप बेबुनियाद, रतन चंद वर्मा। सरकाघाट क्षेत्र की भांबला पंचायत के पूर्व उप प्रधान ने मीडिया के सामने रखा अपना पक्ष। बोले, बेबुनियाद आरोप लगाने वालों के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। सरकाघाट क्षेत्र की भावना पंचायत के पूर्व प्रधान ने स्वयं पर लगे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। पूर्व उप प्रधान रतन चंद वर्मा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अवैध तरीके से अपने बेटे व बहू को आईआरडीपी में शामिल नहीं किया है। वर्तमान पंचायत प्रधान उन पर बिना वजह छींटाकशी कर रही है। रतन धन वर्मा ने चेतावनी दी कि उन पर बेवजह आरोप लगाने वालों के खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आमला पंचायत के पूर्व उप प्रधान रतन चंद वर्मा ने कहा कि जिस दिन उनके बेटे के परिवार को आईआरडीपी में डाला गया था, उस दिन वह जनरल हाउस में उपस्थिति रहे थे। उप प्रधान ने अपने बेटे का जाली तरीके से डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप का भी खंडन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधान पता नहीं किस क्रिकेट के बारे में बात कर रही है, जबकि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। रतन चंद वर्मा ने स्पष्ट किया कि उनका बेटा उसे अलग रहता है और परिवार रजिस्टर में भी वह अलग है। ऐसे में उसे एआरडीपी ना डाला जाना कहीं गलत नहीं है। कुछ लोग इस मामले पर जानबूझकर तुम दे रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे लोगों के खिलाफ शीघ्र ही न्यायालय में जाएंगे और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब मांगेंगे। भांबला पंचायत के पूर्व प्रधान ने कहा कि वह सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद से ही लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। क्षेत्र में उन्होंने कई विकास कार्य करवाए हैं। सरकार चाहे तो उनके किए गए सभी कार्यों की जांच करवा कर देख ले। उन्होंने कहा कि है पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करते आए हैं और आगे भी आम लोगों की समस्या को दूर करने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं सैनिक होने के नाते अपनी बखूबी ड्यूटी निभाई है। मैंने पंचायत के बीच में 8 जो हैं मोक्ष धाम खड़े किए हैं। उन 8 मोक्ष धामों के मस्टर निकाल लिए जाएँ, उनकी मेजरमेंट कर ली जाए, उनका सरिया, उनकी जितना भी मटेरियल है उसको भी चेक कर लिया जाए। यदि उनके बीच में कोई ऐसी पाई जाती है तो मेरे कार्रवाई अमल में लाई जाए, अन्यथा ये जो मुझे आरोप लगे हैं इनके विरुद्ध मैं न्यायालय में भी चला गया हूँ और भी कुछ धाराएं बनती हैं उनके तहत जा रहा हूँ, क्रिमिनल केस भी करने जा रहा हूँ। और एक विडम्बना मैं कहूँगा कि मुझे बहुत पीड़ा हुई, 15 अगस्त हम सैनिकों के लिए एक सम्मानजनक दिन माना गया है और विशेषकर ये उस कंस्टिट्यूएंसी की बात है जिसका प्रतिनिधित्व एक रिटायर्ड कर्नल इंदर सिंह जी कर रहे हैं और उस खंड विकास अधिकारी वो भी एक सैनिक सेवा निवृत्त अधिकारी हैं। तो इससे ज़्यादा शोषण सैनिकों के साथ और क्या हो सकता है कि सैनिक अधिकारियों के अंडर कमांड के बीच में एक भूतपूर्व सैनिक के ऊपर इस प्रकार के अभद्र व्यवहार के आरोप लग रहे हैं, जिनका सप्लायर हूँ ना मेरा किसी किस्म का है। जहाँ तक प्रधान मोदिया की बात है, प्रधान मोदिया जी ने बदले की भावना से, राजनीतिक छींटाकशी की भावना से जिस दिन से जीते हैं उस दिन के बाद 4th अटैक मेरे ऊपर किया है, वो भी सारे में तथ्य लाया हूँ। एक बार पंचायत मेरे घर पर आ गई जबरदस्ती किसी से, ना तो उसके बीच में प्रोसेस किया गया ना। मंडी से ब्यूरो प्रमुख रूपलाल कौंडल की रिपोर्ट।